हेलो दोस्तों, हानिया पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूवी और मूवी से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर इम्पोर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों, बात करेंगे जेलर मूवी और गदर 2 मूवी के बारे में। आप सभी को बताया कि भाई जेलर मूवी आज रिलीज हो चुकी है, यानी 200 करोड़ के बजट के साथ बनी जेलर मूवी, जिसके डायरेक्टर हैं नेल्सन दिलीप कुमार और रजनीकांत, शिवा राजकुमार, तमन्ना भाटिया, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ के साथ ये मूवी आज रिलीज हो चुकी है। बताया गया है कि भाई इस मूवी का जो बजट है वो 200 करोड़ नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में इस तरीके से लिया गया है कि क्योंकि जो जेलर मूवी है उसकी स्टोरी ही ऐसी है, उसी स्टोरी के बेस पर जो रजनीकांत की जो फीस थी वो 110 करोड़ रुपए दी गई है उनको, और जो विलन के तौर पर जैकी श्रॉफ थे उनकी जो फीस है वो लगभग 8 करोड़ रुपए दी गई है उनको। और वैसे बात करें इसके कलेक्शन की, तो इसकी जो एडवांस बुकिंग है पूरे भारत से लगभग 12 करोड़ रुपए की हुई है, और US से बात करें तो लगभग 6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। USA के अंदर लगभग 37,000 टिकटें बिकी हैं इसकी, और वैसे बताया जा रहा है कि भाई जो इसके थिएट्रिकल राइट्स हैं वो लगभग 123 करोड़ रुपए के बिके हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के ये बताया गया है कि भाई लगभग 20 करोड़ रुपए की इस मूवी ने एडवांस बुकिंग कर ली है, और आज ये सिनेमाघरों में चल रही है, और शाम तक लगभग आज 35 से लेकर 40 करोड़ रुपए अर्न कर सकती है। दोस्तों, और दूसरी तरफ बात करें भाई ये गदर 2 मूवी के बारे में। गदर 2 अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी मूवी, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए है, और ये मूवी कल रिलीज होगी। बात करें इसकी एडवांस बुकिंग की, तो जो जयपुर का राज मंदिर थिएटर है उसी के हिसाब से पता लग गया कि भाई जो गदर 2 की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, क्योंकि राज मंदिर थिएटर पूरे हफ्ते के लिए बुक है। ठीक है, और दोस्तों एक बात का और आपको शायद पता ना हो, जिस दिन यानी 1 अगस्त को गदर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, उसी दिन इस मूवी की लगभग 10,000 से ज़्यादा की टिकटें बिकी थी, और 10,000 से प्लस टिकटें बिकी थी, और लगभग 35 से लेके 40 लाख रुपए की कमाई पहले दिन ही की थी, और अब तक टोटल भारत में बताया जाए तो लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं, यानी 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वही बात करते जैसे दिल्ली के अंदर इसके लगभग 750 से प्लस शो हैं, और दिल्ली के अंदर यानी 180 से प्लस ऐसे शो हैं जो कि हाउसफुल हैं, और 200 ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग चल रहे हैं। अकेले दिल्ली से इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की अर्निंग की है एज ए टिकट बुकिंग के जरिए। और कोलकाता की बात करें, कोलकाता से लगभग 1 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है एडवांस बुकिंग में, और मुजफ्फरनगर, अलवर और अहमदाबाद, यहाँ जितने भी मूवी के शो हैं सारे के सारे हाउसफुल हैं। ठीक है, और दोस्तों कल इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा 11 अगस्त के दिन, और जैसा भी जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा आपको बता दिया जाएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाएगी? अकॉर्डिंग टू मी लगभग 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी ये मूवी, और इसके साथ साथ 2 मूवी और भी रिलीज होंगी, ओ माय गॉड 2 और एक मूवी है भोला शंकर जो कि चिरंजीवी मेगा स्टार की है। तो दोस्तों इन तीनों मूवियों के अंदर टक्कर भिड़ेगी कल, और जैसा कि जो भी कुछ रिपोर्ट होगी आपको बता दी जाएगी। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि भाई कल 3 मूवी रिलीज होंगी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्कोर यानी सबसे ज़्यादा जो भाई कलेक्शन होगा वो कौन सी मूवी का रहेगा। जैसी भी है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना, और जितना उसके भी वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।